कटनी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नवजात शिशु को, जो एक लड़की है, उसे चैनल गेट के छज्जे पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसकी सूचना तुरंत अधिकारी कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद बच्ची को गंभीर अवस्था में छज्जे से नीचे उतारा गया। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगाया जाएगा कि ये बच्ची किसकी है। फिलहाल नवजात का इलाज किया जा रहा है। कटनी जिला अस्पताल में मर्चुरी के सामने बनी बिल्डिंग के एसएनसीयू में एक नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया। नवजात शिशु एक बच्ची है, जिसे लावारिस हालतों में चैनल गेट के छज्जे पर छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई और बच्ची को छज्जे से उतारकर उपचार के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार इसकी खबर बिल्डिंग की पुताई का काम कर रहे कर्मचारी ने दी। कोतवाली थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि नवजात शिशु के मिलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जिला अस्पताल परिसर में लगे कैमरे की मदद से जाँच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार नवजात को बिल्डिंग से छज्जे पर किसने रखा, इसकी जांच जुटाई जा रही है। पता लगने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक 11:30 बजे हमारे स्टाफ को सूचना मिली कि जो मॉर्चुरी है उसके सामने, जो हमारे वार्ड का हिस्सा है, वहां पर एक जो ड्रेन पाइप के उधर फंसी हुई स्थिति में एक बच्ची, नवजात शिशु है। हमारे स्टाफ ने तुरंत जाकर उसको निकाला और उसका परीक्षण किया कैजुअल्टी में। कैजुअल्टी से उसको हम लोगों ने, जो एसएनसीयू होता है नवजात बच्चों की इकाई, उसमें उसको भर्ती कराया। तो बच्ची को देखकर ये प्रतीत होता है कि उसको नेगलेक्ट भी किया गया है और उसके साथ में यानी जो शारीरिक हिंसा भी थोड़ी सी उसके लक्षण मौजूद हैं। गले में भी निशान है, शरीर में भी हैं, मिट्टी लिपटी थी और उसकी जो कनेरी होती है वो बंधी नहीं थी, जबकि अपन बांधते हैं डिलीवरी के बाद। तो ऐसा लगता है कि कोई बाहर का व्यक्ति छोड़ के गया है। हमारे यहाँ जितने डिलीवरीज हुई हैं या नवजात भर्ती हैं, उन वो सब यानी अकाउंटेड फॉर हैं और कोई मिसिंग नहीं है। ये कोई बाहर से है ना, कोई व्यक्ति करके गया है। आज सूचना मिली थी कि शासकीय अस्पताल के मर्चुरी के पीछे एक नवजात शिशु है, जिसको जाके देखा गया तो वहाँ पर 2-3 दिन का बच्चा मिला है, जिसे शासकीय अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। अब उसकी तलाश की जा रही है। अभी किसी ने ऐसा नहीं बताया है, अब उसमें हम कैमरे और फुटेज देख रहे हैं, तो उससे अगर पता चलेगा तो हम निश्चित रूप से उसमें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।